किसी के दिल में बस के दिल को तड़पाना हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल दोस्तों, मैं आई हूँ आपके सामने एक व्लॉग लेकर जिसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते और ना ही करना चाहिए क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको देखकर ही लग जाएगा अंदाज़ा। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। तो चले हैं हम ऑफिस की साइड से, ऑफिस वालों की तरफ से मीटिंग थी हमारे PNB MetLife की तरफ से, ठियोग से जो 10,000 फीट की ऊपर है बना हुआ हॉकआई एक रिजॉर्ट है, वहाँ सर ने हमारी मीटिंग सबकी रखवाई थी। तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं, सेलिब्रेशन भी होगा, वो तो यहीं से स्टार्ट हो चुका है। सब लोग बहुत खुश हैं कि सेलिब्रेशन में जा रहे हैं। तो ये जो कार ड्राइव कर रहे हैं, आगे बैठी है स्वीट सी मधु है PNB में हमारी, और इनकी फ्रेंड है, बेटी है मेरी साथ में बैठी हुई, और हम लोग चले हुए एंजॉय करते हुए। तो हम दोस्तों पहुंच चुके हैं 10,000 फीट पर, और 10,000 की फीट पर जाकर हमें पता लगा कि उन्होंने जब अपना रास्ता खुद से बनाया है रिजॉर्ट का, तो वो थोड़ा सा मतलब कच्चा रास्ता है ऊपर जाकर थोड़ा, और वहाँ से कार नहीं ऊपर को आ रही थी, तो इसलिए हमें कार से उतरना पड़ा। और ऊपर आकर तो फिर हमारी थकान बिल्कुल दूर हो चुकी थी, और इतना सुंदर नज़ारा और इतना प्यारा रिजॉर्ट था हॉक आई, और वाकई में सच में हॉक आई ही इतना ही हो सकता है, इसका नाम बहुत सोच समझ के और अच्छा रखा है। हाँ, सबसे मिली मैं वहाँ पर सब लोगों से, जितने भी ऑफिस वाले आए हुए थे, कुछ अंदर थे कुछ बाहर फ़ोटोशूट कर रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे, सबसे मिली। उसके बाद मैं अंदर जा गई और फ्रेशन अप होने, क्योंकि हमारी मीटिंग स्टार्ट होने वाली थी। जो साथ में मेरे खड़ी हैं फ़ोटो में बीच में, ये उषा मैम है, बहुत ही नाइस लेडी है, बहुत ही सपोर्टिंग नेचर है इनका, और बहुत साथ देती है। मैं छोटी मोटी ऑफिस से रिगार्डिंग कोई बात पूछनी हो तो मुझे बड़ी हेल्प करती हैं ये। तो दोस्तों मैंने सोचा कि हम थोड़ा लेट तो हो ही गए थे आने में, तो मैंने कहा जल्दी से जाके मैं फ्रेशन अप हो जाती हूँ, मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, तो मैं अपने बैग वगैरह भी रूम में रख देती हूँ। तो हम चल पड़े हैं हॉल की तरफ मीटिंग के लिए, और अब स्टार्ट होने वाली है मीटिंग। तो सभी वहाँ पर सेटअप चल रहा है और सीटिंग देख रहे हैं सब लोग। तो ये जो येलो जैकेट में खड़े हैं, ये हमारे क्लस्टर हेड विजय सर हैं ऑफिस के। तो ये जो स्पीच देते हैं ना, इनकी स्पीच इतनी मोटिवेशनल होती है, इंस्पायरिंग पर्सन है ये, इनकी स्पीच सुनकर तो सब में एक जोश सा आ जाता है। So, on the behalf of IDGTM team 2024, तो सबसे पहले मैं आपका वेलकम करना चाहूंगा फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट कि आप लोग इतने दूर से आए, राइट। तो इस बार जो भी हमारा वो है, मैंने जब भी अगस्त में ज्वाइन किया था तो मैंने यही बात करी थी कि शिमला 2 की जो असली बैटिंग, तो मैं आपको शायद हमारे नॉर्थ सेंट्रल में भी होना था, इतने दूर से आए थोड़ा सा भी ठंड भी सहन करेंगे, क्योंकि जैसे धूम चली जाती है सेकंड रन स्टार्ट हो जाता है बिना सीधा का। यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है जो हम मॉर्निंग में स्टार्ट करेंगे ऊपर तक, वो है द सेंडिया की। तो इधर इधर, तो ये है हमारे अमन सर जो ट्रेनर हैं, और ये भी बहुत अच्छी स्पीच देते हैं। और जो अब आएंगे, ये है बनियाल सर, रीजनल हेड हैं, और ये हैं सुरेखा मैम। तो इनकी वजह से ही जो सेलिब्रेशन हो रहा है, ये जो केक कट रहा है, और ये ऑफिस की साइड से हांगकांग जा रही है, तो बहुत ही ज़्यादा Yeah.
तो दोस्तों यहाँ इतनी सर्दी बढ़ चुकी थी कि हम लोग फिर बॉनफायर के पास आकर बैठ गए थे। पहले तो यही था कि यहाँ पर डांस करेंगे सारे बॉनफायर के पास, लेकिन सब आ ही नहीं सके क्योंकि सर्दी इतनी बढ़ चुकी थी कि हम आके पास भी बैठे थे तो हमें फिर भी सर्दी लग रही थी। और ये सारी जितनी भी हमारी ये फीमेल्स हैं, हमारी कलीग्स, इतनी अच्छी, इतनी फ्रेंडली है कि लगता है कि जैसे घर जैसा फील आता है इनके सबके साथ बैठकर। बहुत ही नाइस लेडीज हैं सब। और ये हमारा डिनर टाइम हो चुका था और गर्मा गर्म खाना खाया हम लोगों ने सब ने। बहुत टेस्टी खाना था, बहुत अच्छी अरेंजमेंट कराई हुई थी सर ने, बहुत दिल खुश हुआ। हर चीज़ बहुत अच्छी थी, सारी मैनेजमेंट। तो डिनर के बाद अब आ चुकी थी हम, मुझे नींद, और मैं चली गई थी सोने। और दोस्तों आपको ये मेरा ब्लॉग अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जल्दी ही दूसरा सेकंड पार्ट इसका मैं डाल रही हूँ, उसके लिए इंतज़ार थोड़ा सा।